हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ जो कि रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ से संबंधित। देखिए, मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो शायद किसी ने नहीं बताए होंगे, और ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिन्हें जान के आप भी हैरान रह जाएंगे, समझेंगे। हाँ, तब आपको लगेगा कि वास्तव में कि जो मैंने कट ऑफ बताई है वो बिल्कुल आपकी कट ऑफ सही है, एक्चुअल कट ऑफ इसी कारण ऐसी जाएगी। मैं रीजन दूंगा, रीजन वो छोटे मोटे रीजन नहीं कि 50% लोगों ने एग्जाम दिया, 50% ने नहीं दिया, ये सब तो है ही, लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा असर नहीं करते हैं। जो मेन मुख्य रीजन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि मैंने देखो कई बार ऐसे कट ऑफ मैंने बनाए हैं वीडियो जिनमें मैं बताता हूँ ये कट ऑफ जाएगी। जैसे क्या था, NTPC मैंने थोड़ी ज़्यादा बताई थी तो कट ऑफ वही गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने कम बताई थी, तो कहा सर आप कैसे बता सकते हो इतनी ज़्यादा, कैसे कट ऑफ जा सकती है। तो लेकिन फिर कट ऑफ क्या हुआ, उतनी ही गई जितनी मैंने बताई थी। ऐसे ही SSC GD में भी ऐसी जितनी मैंने कट ऑफ बताई वही गई। ऐसे एक मतलब एग्जाम था कोई जिसमें मैंने कम बताई थी कट ऑफ, तो वो कम भी गई थी, लेकिन लोगों का सर इतनी कम नहीं जाएगी, इतनी कम नहीं जाएगी, और फिर क्या हुआ, कम कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी, कैसे, क्या जाएगी, क्या है, किसमें क्या रीजन है, सारे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और एक चीज और है, ये समझिए जिनने ठीक ठाक क्वेश्चन किए हैं, नॉर्मल किए हैं, उनका सिलेक्शन श्योर है। अब आप लोग बिल्कुल मिठाई बांट दीजिए अभी से, ठीक है, लेकिन तब भी देख लीजिए कितने नंबर पे क्या, किन्हें खुशी मनानी है, किन्हें नहीं मनानी है। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कारण, जैसे कि आप लोग, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा, थोड़ा सा डेटा देखिए आप, जैसे क्या है, अब देखिएगा पूरा डेटा देखिएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी बदलाव हो गया है डेटा में। मैंने पहले ये डेटा बताया था आप लोगों को, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा बदलाव हो गया है। जैसे कि ये जो आपकी वैकेंसी है, सॉरी, ये आपकी 2019 की वैकेंसी है, 2019 की, ठीक है, 2019 में टोटल वैकेंसी कितनी है, 1,37,000 कुछ समथिंग है। ठीक है, 1,00,000 मान लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन जो भरा था कितने लोगों ने भरा था, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भरा था, जो फॉर्म भरे थे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भरे हैं, काफ़ी संख्या में भरा है लोगों ने। कंपटीशन अगर देखा जाए, फैट देखी जाए, तो 112 में एक का सिलेक्शन हो रहा है, कितने का, 112 में एक का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, भला 112 लड़कों में एक का, लेकिन देखा जाए तो 50% तो परसेंटेज तो एग्जाम दे ही नहीं रही, तो देखा जाए तो 56-57 लोगों में आपका कंपटीशन है वैसे तो, लेकिन ये एक छोटी बात है, ये तो सभी लोग जानते ही है। तो ये पहली बात, तो खैर देखा जाए 50% तो कंपटीशन आपका यहीं से कम हो जाता है। ठीक है ना, 50% कंपटीशन आपका यहीं से खत्म हो जाता है। तो ये तो कई सारे लोग बता चुके हैं, अब जो मेन पॉइंट आते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखेंगे 2018 का जब आप देखेंगे, अब कुछ लोग करते क्या है, 2018 से कट ऑफ को कंपेयर करते हैं, 2018 कट ऑफ से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए 2018 की और इस वक्त के सिनेरियो में काफी फर्क आ चुका है। कैसे, उस वक्त वैकेंसी कम थी, फॉर्म ज्यादा लोगों ने भरा था, वैकेंसी कम है, फॉर्म ज्यादा लोग भर रहे हैं, इस बार क्या है, वैकेंसी ज्यादा है, फॉर्म इसके पीछे कम है। तो एक चीज और ये देखिए, तो कंपटीशन कितना था, 300 में एक का था, 300 में एक लड़का, अभी क्या है, 112 में एक लड़का, और पिछली बार क्या था, परसेंटेज जो एग्जाम देने का था 70% से ऊपर था, 75% समथिंग था। ठीक है, एग्जाम जिन लोगों ने दिया था, अब की बार 50% है, देखा जाए तो चौथाई हिस्सा तो यहीं से गायब हो गया है, समझ रहे हो ना, कंपटीशन कहाँ कहाँ से कम होता चला जा रहा है आपका। अभी मैं आपको और रीजन बताऊंगा, अभी दो मैंने देखो, वैसे तो मैंने कट ऑफ इसीलिए पहले ये और नहीं बताई अभी, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादातर बच्चे फिर पढ़ाई छोड़ दें, कहीं ये ना करना, पढ़ते रहिए, ये मत सोचिए कट ऑफ कम जाएगी अब तो हमें कोई करना नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा, नहीं, ये सोचो कि सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे समझो, सोचो कि सिलेक्शन में 100-100 करने हैं। ठीक है, तो अब देखो ये तो आपका देखा जाए कितना यहाँ से कंपटीशन कम हो गया, पिछली बार की अपेक्षा 3 गुना कम हो गया है, और ये देखो लड़के भी कम बैठ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम होता चला जा रहा है। ठीक है, ये भी छोड़ देता हूँ मैं पॉइंट, अभी मैं आगे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे आने वाला हूँ, जो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ठीक है, तो देखो पिछली बार से, जो पिछली बार कट ऑफ थी, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि इस बार और उस बार में सिनेरियो में काफ़ी फर्क है। ठीक है, और एक चीज़ देखी जाए, पिछली बार का पेपर और इस बार के पेपर में भी काफ़ी फर्क है, तो तुम ये तो कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी और इस बार क्या कट ऑफ जाएगी, उससे कंपेयर मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये गलती करोगे तो नुकसान होगा आपका। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा सा मैं माइक यहाँ पे सेट करके लिए हूँ। ठीक है, तो अब बात आती है फाइटिंग, फाइटिंग में देखो फाइटिंग कितने पे चल रही है, ये देखिएगा फाइटिंग आपने देखी ली होगी यहाँ पे, ये पहले 300 में थी, अब की बार 112 में। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरी चीज देखिएगा, दूसरी चीज क्या देखना है, जो फाइटिंग रेशियो है कितना कम हो गया है, कितने परसेंटेज कम हो गया है, देखो यहाँ पे 2.7 टाइम्स कितने गुना कह सकते हो, 2.5 गुना या 3 गुना कह सकते हो, आपका मतलब जो कंपटीशन है कम हो गया, 3 गुना कंपटीशन आपका यहाँ पे कम हो चुका है, समझ सकते हैं।
पिछली बार की अपेक्षा 3 गुना कंपटीशन तो यहीं से कम हो गया, जो संख्या ये दी गई है, और अगर हम जो प्रेजेंटेशन है बच्चों की वो दिखाएं तो उससे भी कम हो जाता है। लेकिन जो एग्जाम नहीं दे रहे तो हम ये मान चलते वो वैसे ही तैयारी उनकी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया होगा। तो ये देखो यहाँ पे देखा जाए तो इतना कम परसेंटेज तो मतलब कंपटीशन तो पहले ही हो गया, 2.5 से 3 गुना आपका कंपटीशन कितना देखा जाए, कितना फर्क आ रहा, कितना ज्यादा फर्क आ रहा, बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। तो चलिए ये भी छोड़ देते हैं, अब मुख्य बात पे आते हैं कि तो फिर क्या होगा और क्या हो सकता है इसके अलावा। देखो मैं कितने आपके लिए पॉइंट लेके आ रहा हूँ जहां से आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि क्यों ऐसा होगा, कट ऑफ क्यों जाएगी। एक तो ये कारण हो गया, अब एक और बता दूं कट ऑफ कम जाने का कारण भी। देखो कट ऑफ कम जाएगी लेकिन वो माना जाए कट ऑफ ज्यादा ही मानो, क्यों, पेपर भी टफ है ना, पेपर टफ आ रहा है पिछली बार की अपेक्षा, बहुत ज्यादा टफ आ रहा है। पिछली बार ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे जैसे अब पूछे गए हैं, क्यों, मैंने पिछली बार भी रिव्यू किया था, इस बार भी रिव्यू कर रहा हूं तो मुझे पता है कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब की बार काफी अलग क्वेश्चन है, काफी हटके हैं, तो ये पिछली बार की कट ऑफ थी। अब देखिए मेन रीजन जो है ये है, मेन रीजन क्या, ये देखो ये कारण है, कारण क्या है, अभी तक जिन लोगों ग्रुप डी ने एग्जाम में फॉर्म भरा था उनमें से, जैसे कि मेरे कई सारे स्टूडेंट पढ़े हैं, मेरे मतलब जो अभी पढ़ाते थे ग्रुप डी में, कई सारे बच्चों पढ़ाया, तो वो कई सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे कई सारे एग्जाम की, तो कोई कोई जूनियर इंजीनियरिंग में लग गया, कोई ग्रुप डी जो पिछली बार में थी वो तो पहले ही है, तो इनको तो हम खैर नहीं जोड़ते हैं क्योंकि पिछली बार में लग गए, लेकिन इसके रिजल्ट के साथ इन्होंने ये भी फॉर्म भर दिए थे लोगों ने, ठीक है ना, साथ साथ भर दिया था, क्योंकि लोगों को मन में विश्वास नहीं होता ना, पता लगे यहाँ पे फाइनल ना हो पाया तो क्या होगा, लेकिन जब उनकी ज्वाइनिंग वाइनिंग हो गई तब उन लोगों का मतलब कोई नहीं है, ठीक है ना, अब उन्हें कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है, इनका बिल्कुल साफ साफ। अब देखो NTPC भी, SSC GD में, टीचर में देखो यूपी में ही अकेले 97,000 लोग भर्ती हो गए थे, ठीक है, इस बार, और कई सारे लोग राजस्थान, MP में, महाराष्ट्र में, ऐसी कई जगह टीचर हो गए, अभी TGT वगैरह कई सारी पोस्ट निकली थी जिसमें सिलेक्ट हो चुके कई सारे टीचर, ठीक है, तो ये भी यहाँ से भी। और देखो ये नहीं कहना कि सर ये लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, कई सारे मेरे साथ जान परिचय के लोग हैं जो लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्म भरते रहते लोग, भले ही फिर एग्जाम दें ना दें वो बात अलग, लेकिन फॉर्म तो भर ही देते हैं, ठीक, तो ये एग्जाम भी देने जाते फिर। अब स्टेट पुलिस में देखो लोग 55,000 समथिंग हो गए, यूपी पुलिस और MP पुलिस से जोड़ जाड़ के लगभग और ज्यादा ही हो जाएंगे, हमने कम भी जोड़ पाए हैं, बिहार यार के जोड़ देंगे तो कई ज्यादा हो जाएंगे। CGL, SSC, CHSL वगैरह जोड़ो तो 10,000 से ऊपर चले जाएंगे, CPO वगैरह, MTS कई सारे एग्जाम होते, जोड़ दो 10,000 से ऊपर चले जाएंगे, RPF में 9,000 से ऊपर चले जाएंगे, तो टोटल कितने लोगों ने सिलेक्शन पा लिया है, इतने लोगों ने सिलेक्शन पा लिया है, ये सिलेक्शन पा चुके आने की कितने लोग यहाँ पे टोटल हैं, तो 4,64,640 लोग यहाँ पे सिलेक्शन पा चुके हैं, 4,64,640 लोग सिलेक्शन पा चुके हैं, ये भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये बहुत बड़ा डेटा हो जाता है 4,00,000 लोग। अब सर देखो मुझे पता है इसमें से ज्यादातर लोगों ने एग्जाम, आप लोगों में से भी इन किसी ना किसी एग्जाम में आपने जरूर अप्लाई किया होगा, बस ये कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपसे ऊपर लोग बैठे थे, ठीक, तो इसलिए सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। कमेंट में जरूर बताइएगा जो इतने एग्जाम है इनमें से आपने किस किस में अप्लाई किया था, ये जरूर बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है ना, जो मैंने ये एग्जाम की लिस्ट दी है इसमें कितने में आपने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था ये बताइएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है तो कहो सर इससे क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये लोग ग्रुप डी में अगर ये लोग सिलेक्ट ना होते, ये लड़के 4,64,000, हम 64,000 हटा ही देते हैं, 4,00,000 सिर्फ लेके चलते हैं, ठीक ना, 4,00,400 ठीक है आने की, ठीक, 4,00,000 लेके चलते हैं, 4,00,000 का मतलब ये बच्चे अगर ग्रुप डी एग्जाम देते तो आप तो कैसे भी ना हो पाते फिर, इसका मतलब आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल श्योर था ही नहीं, क्योंकि यही लोग आगे, क्योंकि अगर आप होशियार होते, तेज होते इनसे तो इन कहीं जगह पे आप लोग लग जाते, यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाता आपका, ठीक है, हो जाता कि ना होता। अब बात आती 4,00,000 लोग जा चुके हैं जो कंपटीशन देते, 1,00,000 वैकेंसी समथिंग है ना, तो इन्हीं में से हो जाते वो लोग, इन्हीं में से वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको ग्रुप डी में ना सिलेक्शन मिलता है, सुन लो, अगर ये सिलेक्शन ना होता यहाँ पे, और 3,00,000 बचे थे वो वेटिंग में रहते, और बाई चांस उनमें से आगे पीछे, मतलब समझ रहे ना, 4,00,000 बच्चे तो आपसे ऊपर रहते, जो अभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं समझो उनसे 4,00,000 बच्चे पहले ही से वो एग्जाम देते भले ही, लेकिन 4,00,000 बच्चे उनसे पहले ही से वेटिंग में रहते, समझ रहे ना बात में, पर 4,00,000 बच्चे इनसे ऊपर थे, 4,00,000 बच्चे आप लोगों से ऊपर थे कि नहीं, ऊपर के माल जो क्रीमी लेयर थी वो हट गई आपके ऊपर, जो एक बाधा लगी हुई थी 4,00,000 बच्चों की, स्टूडेंट की, वो हट गई कहीं ना कहीं, 4,00,000 बच्चे आपसे दूर हो गए, मतलब आपके कंपटीशन से बाहर हो गए हैं, तो ये कितना अच्छा चांस है, देख सकते हो कितना अच्छा मौका है, इतने दिनों बाद एग्जाम हुआ तो कई सारे लोगों ने तैयारी भी छोड़ दी थी, कई सारे लोग हार मान गए, कई सारी मजबूरी भी होती है, परिस्थिति भी ऐसी होती है जिन्हें एग्जाम। अब बात आती है सर आपने डेटा तो सब कुछ बता दिया, सब चीजें बता दी,
लेकिन सर कट ऑफ कितनी जाएगी ये बात बताइए। तो देखिए ये तो आप सभी जानते हो, हर जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो मैं एक एवरेज लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक ना, जनरल की एवरेज लेके चल रहा हूँ, वो मैं कट ऑफ बता देता हूँ, फिर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जोन वाइज भी बता दूंगा। और मैं एक पॉइंट और बताऊंगा, जिन लोगों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो वो लोग जरूर अभी एक पॉइंट देखेंगे, बताइएगा, फिर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उस पॉइंट से भी, ठीक है। तो ये हुआ, तो कट ऑफ बताई जाए कितनी जाएगी, बताइए ना। तो इसी बात पर लाइक और शेयर कर दीजिए, पहले तो लाइक करिए, जरूर लाइक करिए, लाइक करेंगे तो आपको जरूर कहीं ना कहीं फायदा होगा, इस वाले सिलेक्शन मिलना है आपको। चलिए ये तो आपका EWS वगैरह का कुछ नहीं उससे मतलब, अब चलते हैं कट ऑफ बताते हैं आपकी कितनी जाएगी, ठीक है। पिटारा खोला जाए कट ऑफ का, तो सभी लोग लाइक ठोको जल्दी से। चलिए यहाँ पे आया रॉ स्कोर, रॉ स्कोर मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो 59 अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, कितने पे, 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन का जो नॉर्मलाइजेशन बनेगा तो लगभग 65 नंबर हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि पेपर भी टफ आए हैं। तो 59 क्वेश्चन हम लेके चले हैं, हमने देखा है जो हिसाब लगाया है शायद उससे कम ही चली जाए, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकती है, कम जाने की ज़्यादा चांस है, ध्यान रखना, ठीक है, आगे जाने कम चांस है। तो इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग डरिए मत। अब मैं और एक बात बता दूं, जिन लोगों ने एग्जाम नहीं हुआ वो 40 क्वेश्चन में भी सिलेक्शन पा सकते हैं, जिनका एग्जाम हुआ नहीं है सिर्फ वो लोगों के लिए ये ऑप्शन है। कैसे है ये आप कमेंट बॉक्स में जब बताएंगे, कई सारे लोगों को मैसेज आएंगे, अगर आप लोग ये समझिए 20,000 लायक होती हैं तो मैं ये तरीका बता दूंगा कि 40 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। जनरल कैटेगरी बता रहे हैं, फिर तो और सबके तो और कम में भी हो जाएगा, ठीक है, कैसे हो सकता है बिल्कुल श्योर शॉर्ट में आपको तरीका बताऊंगा, आपको 100% सिलेक्शन आपका होगा, ये ध्यान रखना। कैसे होगा वो बस आपका क्या टारगेट है, 20,000 लाइक का, ठीक है ना, ये टारगेट अगर आप पूरा कर देते तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये आपको मैंने कट ऑफ बताई दी है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी मैंने डेटा खंगाला, पहले तो ये भी डेटा देखना पड़ा कि जो ये मैंने यहाँ पे वैकेंसी लिखी है ये वैकेंसी ऐसी होनी चाहिए जो पैरेलल में चली हो, और जिनको ग्रुप डी और इन सब में फॉर्म भरने का मौका मिला हो, कुछ ऐसा नहीं कि ग्रुप डी में जिनने फॉर्म भरा वो इसमें नहीं फॉर्म भर सकते या उस टाइम पर भर नहीं सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा यहाँ पे मैंने बताया आपको, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी, कट ऑफ से राहत मिली होगी, टेंशन जो थी टेंशन चली, आपको डेटा बिल्कुल फैक्ट सारी चीज़ें बताई हैं। और ये देखना जब रिजल्ट आएगा तो आप जरूर कहोगे सर हाँ आपने जो बताया था वो बात बिल्कुल सत्य निकली। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।